हेलो फ्रेंड्स, वरुण हियर एंड वेलकम टू थ्रिलर बॉन्सर। आज मैं बिल्डिंग के टेरेस पे आ गया हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन माय ड्वार्फ गुआवा ट्री, जिसको मैंने जलाराम नर्सरी से लाया था। आज हम लोग इसको नर्सरी सॉइल में से रिमूव करके बॉन्सर पॉट एंड बॉन्सर सॉइल में लगाने वाले हैं। ओनली ऑन गाइस थ्रिलर बॉन्सर, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, दिस इज अवर ड्वार्फ गुआवा ट्री जो मुझे जलाराम नर्सरी से मिला था। लास्ट टाइम भी मैंने इसको लाया था बट इट could not survive after some time. Repotting ने survive किया था but summer season में it just died off for some reason. उसके leaves dry out होने लग गए थे, so that's why I got a new tree. इसके ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। So first we have to remove the tree from old soil. So आज हम लोग terrace पे काम कर रहे हैं because घर पे मुझे अलाउ नहीं किया था, दैट्स व्हाई आई हैड टू वर्क इन टेरेस। एवरीवन इज बिजी एट होम डूइंग देयर ओन थिंग्स, उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सो अगर आपको ऐसे काम में घर वालों का सपोर्ट मिले तो इट्स गुड, बट इवन इफ यू डोंट गेट, मुझे मिलता है बट टुडे आई डिडंट गेट, बट यूजुअली काफ़ी हद तक मिलता है, बट इफ यू ऑलवेज गेट देन इट्स वेरी गुड, कैन डू व्हाट यू लाइक। वो लोग सोचते हैं कि क्या होगा इससे, ये क्यों कर रहा है, दिस वॉन्ट लीड यू टू एनी वेयर, सो वी जस्ट नीड टू इग्नोर सच थिंग्स एंड डू वॉट वी लाइक, बिकॉज इफ यू डू वॉट यू लाइक यू विल ऑलवेज गेट वॉट यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड। हमेशा आउटकम के बारे में सोचते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो कैन सी ब्यूटीफुल मॉस, ग्रीन मॉस है ये आई थिंक। The tree looks good. Lower branches भी है इसको, तो काफ़ी हेल्दी लग रहा है वैसे देखा जाए तो इस ट्री को। Let's see how it is at the root base. So dwarf guava tree basically bonsai के लिए ही बनाया जाता है। Bonsai train करने के लिए should always put it in a well draining soil. Not sure why nursery people use this soil. एनीवेज हम लोग पहले सॉइल को रिमूव करते हैं फटाफट। गाइस पहले इसको वॉश करते थोड़ा, रिमूव ऑफ द सॉइल कम्प्लीटली, क्योंकि मैं इसको बोनसाई सॉइल में लगाने वाला हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट टू कंटेमिनेट माई बोनसाई सॉइल विद दिस सॉइल। ओके सो दैट्स फाइन, दैट्स बेटर। ब्रांचेस टूट रहे हैं, ओके एनीवेज डेड ब्रांचेस, लेट देम गो। सो वी आर ऑल गुड विद दिस ट्री, इसके रूट्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आई डोंट थिंक सो देर इज एनी नीड टू प्रून एनी ऑफ दिस रूट्स, दे आर लुकिंग गुड। टैप रूट भी नहीं है, ज़्यादा लंबे रूट्स भी नहीं है, परफेक्ट फॉर बोनसाई दिस ट्रीज। तो इसको हम लोग एक पॉट में लगाएंगे अभी, सो आई एम प्लानिंग टू पुट इट इन अ पिंक पॉट लाइक दिस। सोचे इसको ऐसे लगाए, इट लुक ब्यूटीफुल इन दिस पॉट, इजंट इट, इट्स ग्रेट। सो सबसे पहले क्लियर ऑफ सॉइल नीचे ऐड करते हैं टू इम्प्रूव द ड्रेनेज, बट बिफोर दैट आई नीड टू
चेक क्विकली कि उसके ड्रेनेज होल्स अच्छे से है कि नहीं. इफ नॉट थोड़ा ड्रेनेज होल्स पे हम लोग काम करते हैं. पहले दो ड्रेनेज होल्स कम है इसमें, दो चार, तो वो पहले मैं ड्रिल कर देता हूँ फटक से. ओके, लुक्स गुड. अभी इसमें सॉइल ऐड करते हैं. ड्रेनेज बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों. जितने ज़्यादा होल्स होंगे आपके पॉट में उतना अच्छा. डेप्थ भी मिलना ज़रूरी है ताकि रूट्स को शॉर्ट ना होने देने के लिए. सो एक लेयर ऑफ सॉइल ऐड कर दिया. इसके ऊपर हम लोग इसको रखने वाले हैं. नाउ वी हैव टू डिसाइड द फ्रंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर बिकॉज इसको फॉलेज है अच्छा खासा. सो हम लोग अच्छा फ्रंट डिसाइड करना चाहते हैं. सो आई एम गोइंग टू लुक एट द ट्री फ्रॉम ऑल साइड्स. आई थिंक इट लुक्स, ये ऐसे दो ब्रांचेस सही दिख रहे हैं साइड में जाते हुए यहाँ पे. सो आई कीप दिस एज अ फ्रंट एंड लेट्स स्टार्ट प्लांटिंग इट नाउ. सो सेंटर में रखता हूँ मैं, स्प्रेडिंग ऑल द रूट्स इन अ रेडियल वे जस्ट लाइक दिस. दैट्स इट. एंड इसके ऊपर और सॉइल ऐड करते हैं. सो रूट्स को थोड़ा भी हम लोग ने प्रून नहीं किया है, जरूरत नहीं थी आज. तो ये गिर रहे ट्री, दैट्स बिकॉज हम लोग ने एयर पॉकेट्स रिमूव नहीं किए हैं. सो वो हम लोग अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा और सॉइल ऐड करते हैं. नाउ वी हैव टू चेक द सेंटर. ओके, लुक्स गुड. इट्स प्रीटी मच इन द सेंटर. So let's start removing air pockets now. Guys, that's it. I think काफ़ी हद तक टाइट हो गया है, बट स्टिल नॉट वेरी टाइट. बट लेट्स होप इट रिकवर्स वेल. काफ़ी टॉल है ये ट्री, मे बी दैट्स वाई इट्स नॉट एबल टू. थोड़ा सा और कर सकते हैं शायद. रूट्स ऊपर आ रहे हैं, उसको हम लोग कट कर देंगे. अंदर नहीं जा रहे सारा लाइफ रूट्स, बट दैट्स फाइन. ट्री इज लुकिंग गुड.
इधर और इन यहाँ पे थोड़ा एयर पॉकेट्स है। दिस वन ऊपर भी काफी टॉल ग्रो कर रहे हैं, आपको एक बार दिखा दे तो फाइनल लुक ऑफ दिस ट्री फ्रॉम द साइड इट्स वेरी टॉल। आई एम थिंकिंग ऑफ प्रूनिंग इट, बट ये वेट अच्छे से बैलेंस कर पाएगा फिर। लेट्स सी, अदरवाइज विल जस्ट लेट इट रिकवर एंड देन सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो दैट्स इट गाइस, वी आर डन विद ड्वार्फ गुआवा ट्री। इसके लीव्स अभी से झड़ने चालू हो गए, वी हैव टू वाटर इट इमीडिएटली। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय सेल्फ फ्रॉम हियर ऑन थ्रिलर बॉन्साई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड ऑलवेज वेयर अ मास्क व्हेन गोइंग आउट।